हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी कौसाम्ब चरिके देवी नारायणी नमस्तुते। माँ जय दुर्गा के चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए, मैया को नमन करते हुए और आप सब जगत वासियों का कल्याण को प्रार्थना करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आज का जो चर्चा के विषय है वो है 16 जोन्स, हमारे लाइफ के साथ कौन सा जोन का क्या इफेक्ट रहता है, कौन सा जोन का क्या रिलेशन रहता है। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड है कनेक्शन ऑफ 16 जोन्स इन आवर डेली लाइफ। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं शक्ति चक्रा, इसमें हम लोग पूरा 16 जोन को बना के रखे हैं। इसमें एक एक जोन का क्या कनेक्शन है वो बताएंगे। अभी पहले हम आते हैं नॉर्थ जोन, जो है आपका बिल्कुल 0 डिग्री पे, मनी एंड अपॉर्चुनिटी। याद रखिए, लिखते जाइए नहीं तो रिकॉर्डिंग कीजिए। एक जो पहला जोन है 0 डिग्री में आता है नॉर्थ जोन, उसके साथ अपना जीवन का दो ही चीज का कनेक्ट होता है, एक होता है मनी, दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी। इसके बाद आते हैं हम दूसरा जोन जो बताया था आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो आपका करीबन 20 डिग्री से 25 डिग्री उसका मिडिल पे आता है, मतलब जैसा आपको मैंने बताया था 22 हाफ डिग्री में, वो होता है आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो हेल्थ एंड इम्यूनिटी ये दोनों चीज को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है आपका नॉर्थ ईस्ट जोन, जो कि आपका क्लैरिटीनेस ऑफ माइंड और आपका कंप्लीटली न्यूरो सिस्टम ये दोनों चीज को कंट्रोल करता है, वो होता है आपका 45 डिग्री में। उसके बाद आता है आपका ईएनई, जो कि आपका 65 से 70 डिग्री का अंदर आता है, और वो आपका रिक्रेशन एंड फॉन का जोन होता है। उसके बाद आता है आपका ईस्ट जोन, जो होता है सोशल कनेक्टिविटी का जोन, और उसके बाद आता है आपका ESE, वो होता है आपका एंजाइटी एंड चर्निंग का जोन। किसी का घर में कोई आदमी हमेशा एंजाइटी में रहता है तो देखना पड़ेगा उसका घर का जो ESE जोन है वो खराब है। ESE जोन में कोई भी एंटी एलिमेंट प्रेजेंस है, जिसके वजह से वो हमेशा एंजाइटी में रहते हैं और चर्निंग होता रहता है। उसके बाद आता है आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो होता है 135 डिग्री, और फायर गैस लिक्विडिटी ये दोनों चीज का कंट्रोल करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ ईस्ट जोन। और उसके बाद आता है आपका जो जोन वो मोस्ट इंपोर्टेंट जोन, एंड दैट इज SSE, मतलब साउथ साउथ ईस्ट। वो जो होता है साउथ साउथ ईस्ट, वो होता है पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन। अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो आपके पास जितना ज्ञान हो उसके बाद भी आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और जिसके वजह से आप कभी जिंदगी में आप 100 तक नहीं पहुंच पाते, 99 पे खुद को पीछे ले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, और खुद के पावर को खुद समझ नहीं पाते। और उसके बाद आता है आपका साउथ जोन, जो होता है रिलेशन, फेम, रिलैक्सेशन और आपका स्टेबिलिटी, इस सारी चीज को कनेक्ट करता है साउथ जोन। उसके बाद आता है आपका साउथ वेस्ट जोन, जो होता है साउथ साउथ वेस्ट जोन, जो होता है आपका एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रक्शन। डस्टबिन अगर आपके घर में आप रखना चाहेंगे तो इसी जोन में रखना सही होता है। आगे तो हम बताएंगे कौन सा चीज कौन सा जोन में रखना जरूरी होता है, और रखने से आपको फायदा होता है, और कौन सा जोन में कौन सा चीज रखने से आपको नुकसान होता है। तो आगे का जो जोन है वो है साउथ वेस्ट जोन, और वो होता है रिलेशनशिप एंड स्किल का कंट्रोलर। उसके बाद आता है आपका WSW, मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट, जो होता है एजुकेशन एंड मनी सेविंग। कोई बोलता है मेरा पास पैसा नहीं रहता है, इनकम होता है और वो खर्चा होते जाता है, कोई सेविंग नहीं होता है, तो इसका मतलब उसका घर का WSW जोन खराब ही है, और
वहां पे कोई एंटी एलिमेंट प्रेजेंस है। उसके बाद आता है आपका वेस्ट जोन। वेस्ट जोन जो होता है वो होता है ऑल्सो वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन, जो होता है गेन एंड प्रॉफिट का जोन। अगर जिंदगी में गेन प्रॉफिट नहीं है तो जिंदगी का कोई मतलब है ही नहीं। इसका मतलब आपका घर का जो वेस्ट जोन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन होता है। आज का लास्ट में मैं आज भी एक आपको टिप्स बताऊंगा जो रिलेटेड टू वेस्ट जोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WNW जोन जो होता है आपका डिप्रेशन डिटॉक्सिफाई दोनों चीज का कंट्रोलर। अगर कोई डिप्रेशन में ज्यादातर रहते हैं, दिमाग के कोई कमजोर पड़ जाता है, तो उसका मतलब WNW जोन पे कुछ ना कुछ खराबी है। उसके बाद आता है आपका नॉर्थ वेस्ट जोन जो होता है सपोर्ट एंड बैंकिंग का जोन होता है। उसके बाद आपका NNW जो अट्रैक्शन एंड फिजिकल रिलेशनशिप का जोन होता है। ये जोन अगर खराब हो गया तो आपका जो कपल्स रहते हैं उनका बीच में अच्छा संबंध नहीं रहता है, हमेशा झगड़ा होते रहता है। उसके बाद आता है आपका फिर वही नॉर्थ जोन जहां से हम शुरू किए थे, मनी एंड अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों ये था 16 जोन और इसका एट्रीब्यूट्स क्या क्या देता है आपको जीवन में। तो चलिए अब सुनते हैं आज का टिप्स। दोस्तों आज का टिप्स में आप ध्यान रखिए, जो घर का सबसे कमाने वाला आदमी होता है या जो आदमी होता है कंट्रोलर ऑफ द हाउस या जो घर का मुरब्बी होते हैं, जो मुख्य होते हैं, मुखिया होते हैं एक परिवार का, उनको हमेशा जब वो कोई डिसीजन लेते हैं, कोई कोई होते हैं कोई ऐसा चेयर रहता है आराम चेयर जहाँ पे बैठते हैं वो लोग, उस बैठने का जगह को 270 डिग्री में करना सही होता है। कहीं छत का ऊपर भी बैठिए या आपका घर में कमरा में बैठिए या कोई भी स्थान बैठिए, लेकिन वो स्थान 270 डिग्री पे होना चाहिए और आप जहाँ पे बैठते हैं वो जो चेयर है वो व्हाइट कलर का होना जरूरी है। अगर ऐसा ही होता है तो आपका गेन प्रॉफिट में कभी बाधा उत्पन्न नहीं होता है। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम को यहीं पे स्थगित करते हैं और आपसे विराम लेते हुए प्रभु जगन्नाथ जी के चरण में आप सबका मंगल कामना करते हैं। जय जगन्नाथ। Please like, share and subscribe to our channel and your comments are valuable as well.